हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को समझते हैं तथा इसके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो क्षेत्रफल निकालते हैं हमेशा दो भुजाओं वाली आकृतियों का निकालते हैं। जिन आकृतियों की दो भुजाएं होती है, मतलब 2D, दो भुजा मतलब नहीं 2D मतलब 2 डायमेंशन, दो दिशा वाले। जैसे देखो, ये हमने लिखा है आयत, आयत की एक दिशा तो हो गई ये चौड़ाई और एक दिशा हो गई ऊंचाई, या इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो। तो इसमें दो दिशा दे रखी है, ये दिशा सेम है, ये दिशा सेम है, तो इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। कहीं कहीं आपको आता है ऊंचाई भी दे दी, चौड़ाई भी दे दी और लंबाई भी दे दी, तो इन चीजों में हमेशा क्या निकालते हैं, आयतन। आप एक चीज समझ लेना, आयतन 3 डायमेंशन होता है और जो क्षेत्रफल होता है वो 2 डायमेंशन होता है, ठीक है। आयतन के आपने क्षेत्रफल के फॉर्मूले क्या रहते हैं, हमेशा जो क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे, या लिखेंगे ऊंचाई गुणा चौड़ाई लिखेंगे, या लिखेंगे ऊंचाई गुणा लंबाई। हमेशा दो भुजाओं का गुणा रहता है, वो रहता है क्षेत्रफल। और आयतन में क्या रहता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या आप इसको भी लिख सकते हो क्षेत्रफल गुणा तीसरी भुजा में आप लंबाई लिख सकते हो, चौड़ाई लिख सकते हो या ऊंचाई लिख सकते हो। तो हमेशा क्या रहता है, क्षेत्रफल में 2 भुजाओं का गुणा होता है, जो आयतन होता है उसमें 3 भुजाओं का गुणा होता है। अब देखो, समझते हैं इसको आगे, ठीक है। अब हमें एक सवाल दे दिया, जैसे ये हमारा आयत है, क्षेत्रफल में बहुत सारी चीज रहती है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले आयत पढ़ेंगे, आयत और आयत और वर्ग लेके चलते हैं साथ साथ में, ठीक है, आयत और वर्ग। दूसरी चीज भी पढ़ेंगे, अभी स्टार्टिंग ऐसी करते हैं, आयत और वर्ग। आयत और वर्ग मंत्र क्या होता है, ABCD। जो आयत होता है उसमें ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे AB भुजा बराबर रहेगी DC के, और AD भुजा किसके बराबर होगी, BC के। लेकिन जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है, ये चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा वर्ग में चारों भुजाएं बराबर रहती है। अब इसके जो फॉर्मूले, जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को भी समझेंगे तथा सवाल कोशिश करेंगे कि अपने अनुसार सवालों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश सॉल्व करें। देखो, आपने इसमें एक चीज और मैं बता देता हूं, एक आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में होती है, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई, बोर्ड पर लिखने की आदत थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसका ये कौन रहता है, 90 अंश। जो जिस भुजा पे ये जो है ना, जिस भुजा पे ये कोण बनता है उसको बोलते हैं, देखो इसके सामने की जो भुजा रहेगी वो रहेगी हमेशा कर्ण, जो 90 अंश के सामने की भुजा रहती है वो हमेशा कर्ण रहती है। एक ये होगा A, एक ये होगा B, एक ये होगा C। अब देखो,
ये तो हमेशा कट रहेगी, ये लंब रहता है ये आधा रहता है, कभी ये लंब रहेगा ये आधा रहेगा। इसको क्या समझेंगे, अगर हम इस वाले कोण की बात करें, कोण ए की बात करें, तो ए भी क्या रहेगा, ए भी बराबर आधार, और बीसी बराबर क्या रहेगा, लंब। कोण ए के लिए अगर हम कोण ए पे सवाल को सॉल्व करेंगे तो कोण ए के लिए क्या रहेगा, ये रहेगा आधार और ये रहेगा लंब। और इसी तरह अगर कोण सी पे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, कोण सी पे सवाल को सॉल्व करेंगे तो बीसी क्या रहेगा, बीसी हो जाएगा आधार तथा ए भी हो जाएगा लंब। ये चीज समझ लो, ये हो गया समकोण त्रिभुज, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण रहती है। अब जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं, अगर इस वाले कोण को लेकर चलेंगे तो ये रहेगा आधार, ये रहेगा लंब, और अगर इस वाले कोण को लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा आधार और ये रहेगा लंब। जो जिस भुजा पे कोण बना होता है वो के लिए आधार रहती है, और कोण के सामने की भुजा लंब रहती है। इस कोण के लिए ये कोण इस पर बना तो ये आधार रहेगा, इसके सामने की भुजा ये लंब रहेगी, इसके लिए ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ठीक है। अब पाथागोरस प्रमेय, अब देखो आयत और उसके फॉर्मूले, उस सवाल जब सॉल्व करते हैं तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखो ये एक आयत है, ये आयत हो गया, आयत के जो चारों कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, सब कोण रहते हैं 90 अंश, ठीक है, ये सब रहते हैं 90 अंश के। अब उसने एक भुजा दे दी आपको, ये 70 दे दी, ठीक है, और ये दे दी 8, 70 8 दे दी। अब ये पूछ रहा है कि आप इसका कर्ण बताओ, कर्ण मत पूछो, इसका विकर्ण। ये एक आयत है, ये आयत की भुजाएं ए बी सी डी, और ये दे दिया उसने विकर्ण, विकर्ण ऐसी हमें प्राप्त करना है। अब देखो ये कौन कितने का है, 90 का। अब इस चीज को आप यहां बना लो, ऐसी देखो ये क्या हमारा 90 अंश, ये क्या हमारी बी, ये क्या है हमारे सी, ये क्या है हमारा ए, ये भुजा 17 और ये भुजा 8। पहले बड़ा मतलब छोटा सवाल ले लेते हैं, ठीक है, इसको 3 मान लो, इसको ये बड़ी है तो इसको 4 मान लो, ठीक है, इसको 4 मान लो, इसको 3 मान लो। आपसे विकर्ण पूछा है तो देखो ये एसी और एसी आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं, यहाँ पर आप लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस कोण के लिए ये आधार रहेगा और इस वाले कोण के लिए ये आधार रहेगा, इस वाले कोण के लिए ये वाला लंब रहेगा, इस वाले कोण के लिए ये वाला लंब रहेगा, ये कर्ण हमेशा सेम रहेगा। तो ये कर्ण का फॉर्मूला क्या रहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर कितना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना, 16 है, इसका स्क्वायर कितना है, 9, कितना आगे 25, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, कर्ण स्क्वायर 25, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वैल्यू 25 आई है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय में लगा दिया हमने। अब इसी तरीके से अगर आपको यह चीज दे दी जाए, कि ये एक आयत है ए बी सी डी, एबीसीडी आपको एक आयत दिया हुआ है, इसका कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दे दिया, जैसे 5 दे दिया,
जो इसका विकर्ण है 5 दे दिया, ये दे दिया आपको 3। अब से पूछ रहा है ए भी बताओ, ए भी बताओ, तो ये कितना हो गया, आधार आ गया ना, आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो लगा दो, कर्ण कितना है हमारा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। आधार हमसे पूछ रहा है, ये दिया हमें, लंब कितना दिया 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 लिख दो, ठीक है। अब ये आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 हो जाएंगे ना, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर कितना हो गया 4, 16 को हम कितना लिखते हैं 4 × 4, ये आज की ये चीज होगी। ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेगा, क्षेत्रफल का नहीं, अगर विकर्ण दिया हो, एक भुजा दी हो दूसरी भुजा निकालने के लिए, या दो भुजा दी हो विकर्ण निकालने के लिए, ये हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक तो होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा एक ये भुजा एक ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को गुणा कर दो आधार निकल आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है आधार का, ये इसका आयत का क्षेत्रफल, आयत का विकर्ण आप निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कितना आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने बताया ना आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो उसमें आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करके, यहाँ विकर्ण स्क्वायर नहीं, विकर्ण अगर जैसे हम निकालते कर्ण स्क्वायर बराबर इतना, हमने स्क्वायर नहीं किया, अंडर रूट लगा दिया सीधा, तो विकर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आयत का एक होता है परिमाप, आयत का परिमाप में क्या करते हैं, चार भुजाओं का योग कितना हो जाएगा ए बी प्लस, ए बी कितनी लंबाई है, लंबाई बी सी प्लस चौड़ाई प्लस, फिर ये भी ये बजाएगी, ये भी लंबाई है प्लस, फिर इस वाले भुजा को ले लो चौड़ाई। अब देखो लंबाई दो बार आ गई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई दो बार आ गई, 2 × चौड़ाई, तो परिमाप कितना हो गया आयत का, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या हो गया आयत का परिमाप, 2 लंबाई गुणा, जो परिमाप होता है आप किसी भी चीज का, आयत का निकालो, वर्ग का निकालो, वर्ग और या वृत्त का निकालो, या फिर आप त्रिभुज का परिमाप निकालो, तो उसकी जो भुजाओं होती है, भुजाओं की जो लंबाई होती है टोटल लंबाई को हम परिमाप बोलते हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, यहां से ऐसे करो, यहां से ये हो गई, यहां से ए बी, यहां से यहां बी सी है, इसको ले लो बी सी, फिर यहां से यहां तक ये सी डी है, सी डी को भी इसके आगे ले लो सी डी, और फिर यहां से यहां डी ए है, ये जो पूरी लंबाई है ए बी बी सी सी डी डी ए, इस ये जो पूरी लंबाई है इसको क्या बोलते हैं परिमाप। अब इसको क्या किया इसने, यहां से सी को यहां ले बी सी बना दिया, फिर सी डी को यहां लगा दिया या सी डी बना दिया, फिर डी ए को ऐसे कर दिया ये डी ए बन गया। तो मतलब जिस चीज से, जैसे किसी को किसी तार से कोई हमने चीज बना दी, तो उसका जो परिमाप होगा, जो तार की टोटल लंबाई होगी, वो उस चीज का परिमाप आ जाएगा। तो इसी तरीके से चारों भुजाओं का योग जो रहता है वो परिमाप रहता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें।
तथा आगे हम और इस तरीके के वीडियो लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्यार देने के लिए। आपसे हमारी बस ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमको दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे कि हम दूसरे लोगों से मिल सकें तथा हमको भी थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा वीडियो ज़्यादा लोग व्यू कर रहे हैं तो हम और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।